इधर बोतल में भी दे देते हैं पेट्रोल। अच्छा, हमारे वहाँ नहीं देते, या तो देने पड़ेगा। नगर आ जाए ना। हाँ, नगर आ जाए तो दीदी गाड़ी वाला भी ना। हाँ, गाड़ी वाला भी गिर गया, चलो डाल दे, गिर गया। अरे गाड़ी वाला भी ना, बोल लेके लेके मेरे तो चालू है, चलो। हाँ ना, बहुत काट देता है। अच्छा, पूरा मार। फाइनली मैं नागालैंड पहुंच गया हूँ, दीमापुर में पहुंच गया हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ एक्चुअली। अभी एक रिक्शा में बैठा हूँ और पेट्रोल पंप पे रुका हुआ हूँ। यहाँ पे पेट्रोल ना बॉटल में भी दे रहे हैं, अच्छा है। 300 रुपये लिए मुझसे, 300 रुपये एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक के, 8 किलोमीटर है। बट इतना देखा तो इतना कुछ भीड़ नहीं था यार एयरपोर्ट पे। मतलब हॉर्नबिल का जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, बहुत 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 ये सब ऐसा, बट कुछ नहीं। एयरपोर्ट एकदम सीधा साधा, एकदम सिंपल, छोटा सा एयरपोर्ट है। मतलब लद्दाख का भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट लगा मुझे तो। ये है दीमापुर एयरपोर्ट। मैं अब यहाँ आया हूँ हॉर्नबिल के लिए। सो व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कब से चल रहा हूँ आप देख रहे होंगे, कहाँ जा रहा है पागल। तो मैं आ गया हूँ दीमापुर में, इसी से उतरा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, इसमें नहीं, इसमें से आया हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, ये मेरा दीमापुर में दूसरा दिन है। और कल रात मैं सो गया था पूरा घोड़े बेच के, और आज सुबह सुबह मुझे गिफ्ट मिल गया है। ये देखो, ये बाथरूम में मैं नहा रहा था, और एक जगह पे देखो कैसा है ये सेफ्टी, देखो इनका ये जो कोना है ना, ये घुस गया मेरे सर में और बहुत ज़्यादा खून आ रहा है। तो अभी मैंने ऑइंटमेंट लगाया वहाँ पे, बहुत पेन कर रहा है। कुछ ना कुछ तो होता ही है मेरे साथ में गड़बड़। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की तरफ। तो जाते जाते जाएंगे, राजू भाई से मिलेंगे, उनको भी लेके जाएंगे, और वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त लोग आए हुए हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ मैं आपको। लेट्स गो। तो मैं अभी बैठ गया हूँ चुमू के लिए रिक्शा में, और ये अकेला ही हूँ अभी, पता नहीं कब भरेगा और कब जाएंगे। तो ये मेरा होटल था रिट्स, यहाँ पे मैं रुका था, होटल रिट्स काफ़ी अच्छा है। तो ये गिफ्ट दे दिया उन्होंने मुझे, और चलो कोई ना। ये मिल गए हमारे दोस्त विद राजू भाई फिर से एक बार। कैसे राजू भाई? ठीक हो भाई। हाँ, बहुत दिन बाद आपको दर्शन हुए मेरे। बहुत ज़्यादा था भाई को, और फाइनली और एक बार मिलने का मौका मिला थैंक्स टू हॉर्नबिल फेस्टिवल। हाँ, हॉर्नबिल के मौके से हम लोग मिले एक बार। हाँ, फिर से तो राजू भाई के साथ हॉर्नबिल एक्सप्लोर करूंगा। हाँ, अभी मैं बहुत सारे बाइकर्स भी देखे भाई। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा देख। अरे यार, मतलब उनको जब भी देखता हूँ ना, मुझे ऐसे ही खुशी मिलता है ना। अभी तो ऐसा मतलब जोश आ रहा है। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त है, वो भी मिलेंगे आज। हाँ, तो चलते वहाँ पे, वहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरह। देखे, और ये राजू भाई का चैनल तो पता ही है आपको। चले चलते हैं फिर, अभी हम लोग टैक्सी बुक कर लिया। राजू भाई, टैक्सी का कितना होता है? 350 करके लेता है। 350 का मतलब ये यहाँ से ना? हाँ, यहाँ से चुमू खेड़ा से। और कोई अपना दीमापुर से? दीमापुर का मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, तो यहाँ तक तो मैं 80 रुपए में आ गया, और आगे मतलब 400 रुपए। अच्छा, सही है। तो अभी ये हमारा गाड़ी है, इसमें जाएंगे। सो गाइस, हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं, अब निकलेंगे। देखो यार, और भाई का कपाल मोक्ष हो गया मेरा सुबह सुबह। कैसे हुआ ये? अरे टॉयलेट में रहता है ना। हाँ, कपड़े रखने का। अच्छा। अरे गया खपा। अरे कोई नहीं, हो जाते, अरे कभी कभी होता है। क्या हवा निकल गया? तो ये देखो, आ गया फिर से पहाड़ों में।
ये कोहिमा में पहुंच गए हम लोग अभी, और हालत बहुत ख़राब हो गई है। धूल में ट्रैवल करके आया है। ये कोहिमा का बस स्टैंड है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है पीछे, इस तरह से कुछ माहौल है यहाँ का। और यहाँ से कौन सा है वो गांव, काशी मैया क्या, कौन सा जहाँ पे जाना है? मैं काशी मैया बोल रहा था। किसीमा हेरिटेज है, वहीं पे हो रहा है हॉर्नबिल। हाँ, तो हॉर्नबिल का वेन्यू जो है ना वो वहीं पे है, तो वहाँ पे जाएंगे अभी, थोड़ा एटीएम में जाएंगे और कुछ चीज़ें है वो देखेंगे, पहले खाली होना है, पेट बहुत भारी हो गया है। चलो, तो ये अब कोहिमा की गलियों में मतलब मेन रास्ते पे ही चल रहे हैं, ढूंढ रहे एटीएम मिल जाए। और पार्किंग, यार फुल पार्किंग है, कहीं भी जगह नहीं है। अच्छा इस बार गाड़ी नहीं लाया। और यहाँ पे स्कूल भी खुल गए लगता है। हाँ राजू भाई, स्कूल वगैरह सब खुल गए ना? खुल गया, एग्जाम चलने वाला है अभी। अच्छा, और क्लाइमेट बहुत सही है, कूल है, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। इतनी ठंड तो नहीं है बट ठंडा है। ढूंढते एटीएम कहाँ है। ये एटीएम है क्या? डेंटल क्लिनिक है। सॉसेज है, मोमोज है, स्ट्रीट फूड, छोटा सा मार्केट, मीट, तरह तरह का मीट है, छोटा सा मार्केट है। जिंदा है ये तो? जिंदा है? हाँ जिंदा है, खाता है क्या? स्नेल है ये तो, ये भी है कुछ फिश। ओ वाओ, मशरूम। अब आ रहा है फील नागालैंड में आने का। ये किंग चिली है ना? ये एक शॉप है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा ट्रेडिशनल है, ये मॉन्यूमेंट्स है। वाओ, ये सारा कल्चरल है यहाँ पे। इससे क्या होता है? मुझे लगा ठंड से बचने के लिए। अच्छा, तो ये पूरा ट्रेडिशनल चीजें यहाँ पे मिलती है, बहुत अच्छा है। यक भी है, छोटा सा यक, 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 यक। राइस बियर के लिए। ओ, ये लकड़ी का है, सारे लकड़ी के बैम्बू के बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत है ये, मुझे अच्छा लगा। और ये भी अच्छी लगी मुझे, इसको लेके जाओ राजू भाई साथ में। चिकन पुलाव, यहाँ पे चिकन पुलाव, चिकन पुलाव बोलते हैं इसको, सादा खिचड़ी और उस पर चिकन का सब्जी डाल के पापड़ के साथ। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा, टेस्टी है, बजट के हिसाब से। क्या है बजट इसका वैसे? 30 रुपये, सही है फिर। बस से यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ से और आगे जाना है, जो कि हमें टैक्सी लेना पड़ेगा फिर से। अब ना ये राजू भाई कोई काम नहीं कर रहे, मुझे लगा राजू भाई लोकल है यहाँ पे, समझते हैं। राजू भाई को भी उल्लू बना दिया। हाँ राजू भाई। तो अभी जाएंगे, टैक्सी देखते हैं पहले कोई, और फिर वहाँ से निकलेंगे।
क्लाइमेट अभी ना धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है, है ना। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना मस्त है ये छोटा सा ब्रिज, ये देखो हॉर्नबिल का पार्किंग देखो। अरे राजू भाई दौड़ा रहे मेरे को खूबसूरत नजारे, वाह ये पे आवाजें भी आ रही है फेस्टिवल की। लेमन टी नॉर्मल टी थैंक यू। एक्टिंग है ये आंवला भाई एक चाय देना। हाँ अभी दे रहे भैया गोल्ड मिल गया फाइनली। और भाई भाई बहुत अच्छा लगा यार वॉलंटियरिंग को देख के, मैंने सोचा नहीं था यार कि सचिन भाई भी आएंगे, मतलब यार मेरा प्लान था वैसे, बट इस बार मैं फ्लाइट से आया हूँ, हिचहाइकिंग और कार से नहीं आया, वो नहीं किया नहीं किया तो मिलते यार पहले यार भी सरप्राइज था यार ये मेरे लिए भी सरप्राइज नहीं था। चलो बढ़िया यार भाई, सचिन भाई से मिलके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद मिलते हैं बात करते हैं यार। अभी ये पंकु भाई हमें जंगल में ले जा रहे हैं भाई, जंगल में लेके जा रहे हैं भाई, हम ले रहे हैं सचिन भाई को भी बताते हैं कहाँ हम रुकने वाले हैं। उड़ी बाबा भाई ये क्या है, अरे भाई यहाँ बहुत कुछ है, इधर जंगल में मंगल चल रहा है इधर तो आपका चल रहा है और कौन कौन है आपके साथ जुड़ा हुआ भाई, यहाँ बहुत सारे ट्रेवल ब्लॉगर आ रखे हैं यहाँ पे, क्या बात है सही है, ब्लॉगर ही ब्लॉगर है यार यहाँ पे। यहाँ पे कुछ पेमेंट दिया गया हमने टेंट लगाने के लिए, नहीं नहीं अपना तो फ्री में लगाया था, वो तो आपका बैग देख देख के मैं परेशान हो गया, बोला इतना बड़ा बैग लेके कैसे घूम रहा बंदा, इससे मिलो ये मेरा पार्टनर है भाई। हेलो हाय, देखा मैंने आपको, गौरव गौरव फ्रॉम दिल्ली, देखा गौरव, हां बैग पकड़ पकड़ के परेशान हो गए थे। अच्छा 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 बैग कौन सा पकड़ के, इनका बैग पकड़ पकड़ के आप परेशान हो गए थे ना, एक बार गिर गए थे ना, अरे अरे नहीं जाता गलत आदमी है इसे नहीं उठाया जाता भाई से, इतने सारे टेंट लगे हुए यहाँ पे, अरे सही है भाई छोटा सा आशियाना, ये मेरे भाई का है तो इंतजाम तो खैर हमने सारा कर रखा है, देखो बाप रे बाप, इससे मैगी मंगवा लेते हैं नीचे से, अरे यार यहां बात है तो ये सारा मतलब स्लीपिंग बैग तो बहुत जरूरी है यार, इसके बिना ठंड में कांप जाओगे मतलब ये समझ लो, ये इतना सामान है तो ऑब्वियसली बैग इतना बड़ा होगा, 21 केजी हुआ मेरा थोड़ा इस बार, तो मैंने आपका मैंने ना आपका हालत देख के इतना छोटा बैग लिया सच में, नहीं नहीं ये इनका पता है इन्होंने ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं करा, इन्होंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, अच्छा, तो अच्छा। स्पेस वो बड़ा हो जाता है, तो जैसे एयर टाइट होता है ना, अगर आप चीजें जैसे एक पतीला है उसमें गेहूं डालोगे तो सारी कवर कर लेगा, डब्बे डालोगे अलग अलग शेप के तो नहीं कवर करेगा, सामान भी ज्यादा था यार, सामान भी बहुत सामान ज्यादा था, हालांकि जो भी भाई कोई अगर नॉर्थ ईस्ट अगर आना चाहता है ना तो ध्यान रखना कि मतलब सामान आप बाइक कम लेके चलना, अगर हिचहाइकिंग करना है कैंपिंग करना है तो वही लो, जितना जरूरत का हो ज्यादा लिया तो भाई वाट लग जाएगी यार आपकी, जैसे मेरी लगी हुई है हिचहाइकिंग करने में भाई इतनी तकलीफ होती है ना, कमर की प्रॉब्लम होने लग गई है मेरे को तो ट्रैवल टिप्स के बारे में ना इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, बहुत जबरदस्त ब्लॉग है इनके, पंकु वर्ल्ड नाम से इनका चैनल है,
और भाई अभी चैनल शुरू हो रहा है ना, फर्स्ट व्लॉग कल डाला है द मोशन ट्रैवलर, चेक करो, अगर अच्छा लगे तो फॉलो करना वरना मत करना, और मेरा भी कर लेना यार। अरे भाई 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 क्या कर लो यार भाई, मेरे कोई भी फॉलोवर्स हो सब्सक्राइबर हो, सचिन भाई भाई बहुत तगड़े कंटेंट बनाते हैं मतलब, और भाई आपको देख के अपनी लाल कलर की स्विफ्ट है इनके पास, स्विफ्ट में भाई पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते हैं यार, तेजू तक अरुणाचल तक जाके आ गए, और एक बहुत अच्छी पहल जो इन्होंने की थी वो अपना सीट वाला है ना, हॉर्न बिल हॉर्न क्या हॉर्न ओके हॉर्न ओके बीज भाई बहुत यार, एक बार चैनल जरूर चेक करना अगर आप सचिन भाई के चैनल पे नए हो तो। और अभी सचिन भाई चलो यार बात बात करते हैं, चलो ब्लॉग देखते यार बनता रहेगा यार। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा टेंट का जुगाड़ करते हैं उनको भाई का घर से, वाओ खाना पीना वाह 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 क्या बात है The Angamis are a tribe of warriors who fought many wars and collected heads. The origin of this tribe comes from a beautiful village called Kejar Kenama, which is presently the village of the Chakasi tribe. The Angamis are settled in different districts of Nagaland, namely Kohima and Dimapur. Nagas are one of the major Naga ethnic groups native to the Nagarjun district of Nagaland, northeast India. Chagasan, the land of traditions, is attributed to Peck, the capital district of the Chagasans. The Chagasans are a major Naga ethnic group found in the state of Nagaland, India. Chagasans are former Eastern Angamis, now recognized the Bachuri tribe. Bachuri, the land of traditions, the Peck district, is the native territory of the Bachuri tribe. Found in Nagaland and Assam states of India. And the mineral districts are attributed to Twensan and Kipiri districts of Santoms of Nagaland. Towards the southern part of Nagaland, we have the Santom inhabited area under the Kipiri district, and the northern part includes the Longking Chare subdivision of Twensan district. The land of warriors is native to the Zinebato district. The Sumi tribe nestled in Zinebato are fierce fighting men recorded in history. The Sumis are one of the major ethnic group among Nagas in Nagaland, India. The Sumis mainly inhabit the Zinebato district, parts of Dimapur, Imphal, is a Naga tribe whose traditional territory includes Twensan in the Indian state of Nagaland and western areas of Burma. Dominant tribe of Nagaland, mainly found in Kohima, the first district. The
tribes of Zilian inhabit in the Barang range of hills in Manipur, Nagaland and Assam. The term Zilian is coined by combining two words, Z and Lian, representing two tribes, namely Zemi and Liangma. These are the 14 tribes of Nagaland, Angami, Ao, Chagasang, Chang, Kamangan, Konyak, Lota, Pong, Pochuri, Rengma, Santam, Sumi, तो ये टोटल है 14 ट्राइब नागालैंड की और देखो भीड़ तो अभी ठंड के मारे हालत ख़राब है और पंकू भाई ने कुछ जुगाड़ किया हमारे लिए टेंट का और वो बहुत ऊपर है, शायद वहाँ हो इतने ऊपर तो देखते वहाँ जाएंगे, फिर से नीचे आएंगे, फिर से इवेंट अटेंड करेंगे, चलते रहेंगे। हाँ वही है यार, रहने का जुगाड़ हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो अब ये देखो पूरा जंगल में लेके जा रहे पंकू भाई, देखो आपके भरोसे आ रहे होने वाला है, आपके भरोसे चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं यार, सेफली। मैं भी 2 वीक से घूम रहा हूँ ऐसे ही जंगलों में, देखते हैं अभी कितना दूर है। मजा आ रहा है ना सचिन भाई? अरे मजा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है, डर के आगे जीता है। कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सचिन भाई को स्टे दिला दे, और अभी तो चलो भैया वगैरह ने काफी हेल्प की। भैया व्हाट इज योर नेम? किवी साले। और ये सब स्टाफ वगैरह है, टिकट वगैरह देते हैं। तो बड़ी मुश्किल में फंस गए हम लोग, टेंट ही नहीं मिल रहा है, रहने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, फिर भी पंकू भाई ने जुगाड़ कर करके कुछ किया है। अब एक टेंट साइट पे जा रहे हैं, कैंप साइट है, देखते हैं वहाँ पे, बट बहुत महंगा है, 3000 के आसपास है, मिल जाए यार रहने के लिए, देखते हैं आगे। तो फाइनली बहुत मशक्कत के बाद पंकू भाई ने जुगाड़ कर ही दिया, ये है अपना टेंट आज की रात, और यहाँ से व्यू देखो, ये ऐसा व्यू दिखेगा, तो प्राइस के हिसाब से और व्यू के हिसाब से वर्थ है। और ये पूरा ऐसा कैंप साइट है, बस यहाँ से लुढ़क ना जाऊँ नीचे मैं। बाद में बैरिकेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बैरिकेड, वाह कितना अच्छा बैरिकेड है, दो ही लगा हुआ है भाई। सिर्फ इसका रस्सी का। चलो नहीं चलो क्या मैं करूँ। फर्स्ट टाइम राइसिंग ट्राई करेंगे, कैसे अरे तो नारियल पानी लग रहा है, चावल का नारियल पानी जैसा लग रहा है। और भाई पंकू भाई गाना क्या सही लगा है, अभी टाइम हो चुका है 9 रात के, और अभी थोड़ा माहौल ढीला हो रहा है क्योंकि अभी सारे पार्टी करके निकल चुके हैं, और हमारी अभी भी पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है, मजा आ गया यार। राइस बियर बोल रही है, पंकू भाई ने बोल रहे हैं। नहीं नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ यार, राइस बियर नहीं बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ। वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, राइस बियर है और बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे हम लोग इस चीज को प्रमोट नहीं करते, हम लोग बहुत सीधे साधे अच्छे घर के बंदे है, लेकिन लोकल प्रमोट करना चाहिए, लोकल प्रमोट करना चाहिए। और ये दिल्ली से मेरे भाई,
हेलो अच्छा अच्छा अब पता चल गया होगा दिल्ली से लाइटिंग अच्छी नहीं हाँ ठीक आ रही है ना लाइटिंग अच्छी है भाई नहीं आपके ऊपर आ रही है हमारे ऊपर नहीं आ रही अरे यार आपको लाइटिंग की जरूरत है क्या हेलो एवरीवन हाँ मैं दिल्ली से और नाम है मेरा नहीं नहीं वो गंदी बात है मैं दिल्ली से हूँ मेरा नाम है गौरव और हमने भी जस्ट व्लॉगिंग स्टार्ट करी है बहुत अच्छा कंटेंट है इनका ये चश्मा भी लगा लेने का चश्मा भी है इनके पास मैचिंग वाला है बड़ा हैंडसम लग रहा है मैच करती है और इनको तो आप जानते हो राजू भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त और ये अभी मगन है उधर So just share my feelings. Just need only longer, small ones. So I will always love girl. Vlogger का love girl. Oh my god. Vlogger का love girl पहली बार इतने not love girl. Longer. Longer. हाँ, because ये feeling share करते हैं ना और feeling कौन share करता है? वो तो भाई lover करते हैं. तो love girl. I want to keep everything okay. But I'm not the boss. चलता रहेगा रात भर तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये जो ब्लॉग है ये मैं ये एंड कर देता हूँ बहुत लंबा होने वाला है ब्लॉग मुझे पता है बट एंजॉय करो ये है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मैं गॉगल में बहुत बियर्ड लग रहा हूँ ये इसका गॉगल है इसका गॉगल है बहुत एंजॉय करो बहुत एंजॉय करो ये हाँ ये दिल्ली वाला बंदा है तो मुंबई वाले बंदे से डर रहा है आज तो चलो गाइस मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए फील द लाइफ और भूल गया मैं तब तक आप अपना और अपने का ख्याल रखना सेफ रहना सुरक्षित रहना सैनिटाइज करते रहना हो सके तो एक पौधा जरूर लगा देना टिल देन टेक केयर बाय बाय It's really really enjoy सचिन भाई really enjoy यार बहुत मजा आया सचिन भाई हम मिले हॉर्नबिल में सच में मजा आ गया यार मजा आ गया दिन बन गया मेरा सच में यार रात बन गई यार दिन तो मिले ले यार दिन से रात दोनों बन गए यार सच में बहुत मजा आया और आई रिकमेंड यार हॉर्नबिल फेस्टिवल में जरूर आना अगर मौका मिले तो नागालैंड अगर आना है ना दिसंबर में आओ हॉर्नबिल अटेंड करो आपको लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला दिसंबर 1-10 बहुत सही है वंस इन अ लाइफ अरे बोल दे भाई फर्स्ट टाइम मिले हम दोनों भाई और ऐसी बातचीत हुई ऐसा मजा आया कि भाई बता नहीं सकते और ना दिल्ली और मुंबई का मेल हो गया और थोड़ा सा लंबा है मेरे से बट इतना ये है ना क्या है मेरा छोटा भाई ऐसा यार अब छोटा भाई हो गया सही बता रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम किसी मुंबई वाले से मिला हूँ भाई दिल खुश हो अरे क्या बात अगर तुम लड़की होती तो मैं पप्पी देता तुम ओए तो ये है अभी जस्ट इंडियन ने चैनल शुरू किया है और क्या व्लॉग बनाता है पप्पी देने का मन कर रहा है सच में बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है चेकआउट करना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वैसे नाम बता देना एक बार द मोशन ट्रैवलर नाम है तो जरूर चेकआउट करना बहुत अच्छा है बहुत मेहनत कर रहा है बंदा और पूरा दुनिया घूमने का प्लान है तो सपोर्ट करो यार सपोर्ट करने में क्या है लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चलो मिलते हैं तब तक चुम्मी दे मेरे सब्सक्राइबर को थैंक यू हमारे भैया को और उनके सब्सक्राइबर्स को